11 25 37 86 12 32। ले ठाकुर अब तू मार दम। जला दिया पिछवाड़ा। हाय मर गोरे। अरे फुंकार काहे को मार रहा है, मैं तो सिगरेट दे रहा था पीने को। मैं क्या सिगरेट पिछवाड़े से पीता हूँ, मुंह में देता ना पिछवाड़े में आग लगा दी। हाँ सिगरेट का भी नाश कर दिया। गब्बर मेरे पैजामे का नाड़ा खोल दे, बहुत जोरों से टॉयलेट लगी है मुझे। ये उल्टे काम नहीं करता मैं और ना कभी करूँ। घबरो मजाक नहीं, प्रेशर तेज है। कालिया तू ही खोल दे यार। ये जलालत भरा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है कालिया, अगर कोई महिला कहती तो बात अलग थी। अब मैं तेरे लिए जनानी थोड़ी ना बनूंगा। क्या करूं कैसे रोकूं इसे, पेशाब कंट्रोल के बाहर होता जा रहा है। पजामे में ही कर ले ठाकुर, तेरे जले हुए पिछवाड़े को राहत भी मिल जाएगी। ठीक है पजामे में ही कर देता हूँ। लॉकअप में गंदगी कर दी साहब। साहब ठाकुर ने मुंह दिया। अबे क्या भड़ास चल रही है अंदर। ए चुप चुप, मारकंडे को कोई कुछ नहीं बताएगा, प्लीज भाई लोग इज्जत का सवाल है। साहब जी ठाकुर ने पजामे में ही मुंह दिया। घबरो संभाल बात को, कह दे कि कालिया मजाक कर रहा है। साहब आज मुता है, कल को हक भी सकता है। तेरी तो मैं बताता हूँ, मेरे लॉकअप में छीछा लेदर करेगा तू। हाय मेरा जला हुआ पिछवाड़ा तोड़ दिया रे। पता नहीं मुझे क्यों पकड़ लाए ये लोग, डाकू तो ये दोनों है, मेरे तो हाथ भी नहीं है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। दुखी क्यों होता है ठाकुर, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, कल तुझे नए कपड़े भी मिलेंगे पहनने के लिए, और वो भी सरकार की तरफ से। सरदार तुम हर समय पिछवाड़ा जलाने वाली बात मत किया करो, ये खुशखबरी पहले क्यों ना बताई। अरे गुस्सा ठंडा रख, काली धारी के कुर्ते पैजामे मिलेंगे हमको। एक काम करना, मुझे 2 जोड़ी दिलवा देना। ज्यादा खुश मत हो, वो कैदियों वाली ड्रेस होती है, उसे कौन कमबख्त पहनना चाहेगा। दिल छोटा मत कर ठाकुर, ये लोहे की सलाखें हमें ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकती। ज्यादा बहादुरी मत दिखा, लोहे की छोड़ तू तो प्लास्टिक वाली से भी रुक जाएगा। चल ठाकुर छोड़ इन कच्ची बातों को, तू बीड़ी सुलगा के दे मुझे। घबरू ठाकुर बीड़ी सुलगा, कालिया का पिछवाड़ा मत सुलगा। सरदार तुम पिछवाड़ा जलाने वाली बात मत किया करो, इसके हाथ ही कहाँ है जो बीड़ी सुलगा के देगा ये। अरे रे रे, ये तो भारी भूल हो गई, चलो फिर यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। सरदार आप दर्द का बहाना बना लो, ये आपको हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए ले जाएंगे और हम सब वहीं से फरार हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है, अच्छा आइडिया है। हाय मर गया रे मर गया, कोई बचाओ मुझे, ये दर्द मेरी जान ले लेगा। हाय मर गया रे, बचाओ बचाओ। बस बस घबरू तसल्ली रख, अभी बंद हो जाएगा दर्द। ठुकरैल इतना भयानक दर्द कभी नहीं हुआ मेरे, कहीं इस कालिये ने मेरी खीर में जहर तो नहीं मिला दिया। सरदार तुम पिछवाड़ा जलाने वाली बात मत किया करो मेरे से, कभी सपने में भी देखी है खीर, रोज रोज तो तुम बस भूसे हुए चावल ही खाते हो। हाय ठाकुर बचा ले। क्या दिक्कत है भाई, क्यों जवाड़े मार रहा है। इसको दर्द हो रहा है, डॉक्टर को नहीं दिखाया तो ये दम तोड़ देगा साहब। अब तेरी बहन को नमन, आधा डॉक्टर तो मैं भी हूँ, बोल कहाँ दर्द है, अभी ठीक करता हूँ तेरा दर्द। कहाँ किधर बताऊँ दर्द इसको ठाकुर, बोलना जल्दी किधर बताऊँ। अरे बता दे पीछे। दरोगा जी मेरे पिछवाड़े में दर्द है जी, बहुत भयंकर वाला। तेरे पिछवाड़े का दर्द तो मैं अभी मिनटों में गायब कर दूंगा। दिखाऊं दरोगा जी को पिछवाड़ा, कौन सी साइड में है दर्द। तू भाई बस मुर्गा बन जा, मैं अपने आप चेक कर लूंगा, साइड तो दोनों ही दर्द करेंगे तेरी। दरोगा तेरी बहन का भूटान मारूं, मर गया रे। हाँ भाई निकला दर्द पिछवाड़े का, की और करूं इलाज। नहीं नहीं दरोगा जी, निकल गया दर्द, अब कहीं भी नहीं है दर्द। ये छोटे मोटे दर्द की दवा तो हम भी रखते हैं। हाँ भाई और किसी को कोई दिक्कत। सर कल ठाकुर भी अपने पिछवाड़े में दर्द बता रहा था। घबरू झूठ क्यों बोलता है। नहीं सर कल ये पिछवाड़े पे हाथ रख के घूम रहा था और रो भी रहा था। घबरू
ये दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसका भी दर्द निकाल दो जैसा मेरा निकाला है। अरे साहब, वो तो मैं पिछवाड़े पे हाथ लगाकर लैटरिंग रोकने की कोशिश कर रहा था, प्रेशर तेज था ना, अंदर कालिया बैठा हुआ था। ठाकुर, पिछवाड़ा जलाने की बात मत कर, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पिछवाड़ा जलाया नहीं, पिछवाड़ा तोड़ा जाता है यहाँ, और कोई दिक्कत हो तो याद कर लेना। तुम दोनों से कुछ नहीं होगा, अब मैं ही रचता हूँ कुछ ढोंग। हाँ ठाकुर, ये ठीक रहेगा, तू अपने सीधे हाथ में दर्द का बहाना बना ले, बोलते हाथ को लकवा मार गया। घबरू सरदार, पिछवाड़ा जलाने की बात मत किया करो, इसके हाथ ही कहाँ है। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही जाता हूँ बार बार, जबकि हाथ इसके मैंने ही काटे थे। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे कोई सुन रहा है क्या, बचा लो ठाकुर को, कहाँ मर गए सब। मेरा गला, मेरे गले में पता नहीं क्या व्याधा आ गई है, बचाओ कोई। अबे अब कौन से को चुल उठ गई। साहब जल्दी उठाओ, ठाकुर को सांस आनी बंद हो गई है। इसका मामला तो गया ही लग रहा है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर भुल्लड़, जल्दी पुलिस स्टेशन पहुँच, मारकंडे बात कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन तो कहीं से नजर ही ना रहा ये। मैंने पुलिस स्टेशन बोला था डॉक्टर, आंखें खोल, कौन सी दुनिया में है। मुझे बचाओ, मेरे प्राण निकल कर भागने के चक्कर में बड़ी मुश्किल से पकड़े हुए हैं। ये किसके हंसने की आवाज है। डॉक्टर साहब, पिछवाड़ा जलाने वाली बात मत किया करो, एक आदमी के प्राण निकलने वाले हैं और तुम उसकी बेचैनी को हंसी का नाम दे रहे हो। डॉक्टर तू इसे ठीक कर, अगर ये मर गया तो मेरा थाना बदनाम हो जाएगा, इसकी आत्मा घूमेगी मेरी कुर्सी के चारों तरफ। हुआ क्या है इसको। इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बताया तो था अभी। ये तो गड़बड़ हो गई, आपकी नादानी से बच्चेदानी पे सूजन आ गई। क्या बच्चेदानी। डॉक्टर कुछ भी कर, लेकिन ठाकुर की बच्चेदानी को आंच नहीं आनी चाहिए। घबरू, ये तो इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी और मच्छरदानी अंदर फिट करनी पड़ेगी। ठाकुर तो गयो। ये क्या बक रहा है, पागल है क्या यो। अबे दिक्कत गले में है, बच्चेदानी तो ठीक है ठाकुर की, तू घबरा मत ठाकुर। लेकिन ये बच्चेदानी नमक तत्व तो औरत में पाया जाता है ना। इनको कुछ नहीं पता, ये दोनों पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। डॉक्टर, ठाकुर की हालत बिगड़ती जा रही है। कौन ठाकुर, कौन। ये आपका पेशेंट। किसके पेरेंट। पेशेंट, पेशेंट आपका। मैं कौन हूँ। आप डॉक्टर हो, आप जल्दी से इस ठाकुर को ठीक करो। इसके पेट में छोटा सा सुराख करके किडनी बाहर खींचनी होगी, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। घबरू, ये डॉक्टर कहाँ से मिला, ये इस ग्रह का तो नहीं लगता है। अरे डॉक्टर, किडनी से क्या मतलब, दर्द तो गले में है ना। अच्छा, गर्दन के जितने हिस्से में दर्द है उतना हिस्सा काट देते हैं फिर। ये डॉक्टर मुझे नर्क में पहुंचा के ही मानेगा। अबे कोई इंजेक्शन दे, दवाई वगैरह दे, कुछ तो कर, तू तो खाली काटा पीटी पर उतरा है। माफ कीजिए, आप कौन और मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो। तू मारकंडे को भूल गया, जिसे सारा शहर कभी नहीं भूलता, उस मारकंडे को तू भूल गया। किसे मारू डंडे। अबे डंडे नहीं मारने, मारकंडे बोला है, मारकंडे। कौन सी मुर्गी के अंडे। लगता है तुझे उल्टा लटका कर नीचे से मिर्ची का छौंका देना पड़ेगा। घबरू, मेरे को एक आइडिया आया है यहाँ से भाग निकलने का। कैसा आइडिया, ये वाला आइडिया तो तेरी जान ही ले लेगा। बस एक बार इस डॉक्टर को फिर से भूल जाने दे। ये तो मिनट मिनट में भूलता रहता है, हम भी देखते हैं कौन सा तीर मारता है तू। अब तू इसका इलाज करेगा या मैं तेरा इलाज करूं। वैसे मैं कौन हूँ बता सकते हो, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बताता हूँ, तुम अमिताभ बच्चन हो और ये जो तुम्हारे सामने वर्दीधारी खड़ा है ये अमरीश पुरी है। अरे ठाकुर, कहीं तेरा भी दिमाग तो नहीं चला गया इसकी तरह। और इसने तुम्हारे बाप को मारा है, तुम्हें इससे अपने बाप की मौत का बदला लेना है। अबे ये क्या बकरा है तू। कमीने, तूने मेरी माँ का सुहाग उजाड़ा है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, ये ठाकुर झूठ बोल रहा है, फिल्म की स्टोरी बता रहा है, सच्चाई कुछ और है। तूने मेरी माँ को अनाथ और मुझे विधवा बनाया है। अरे उल्टा बोल गया तू, इसने विधवा तेरी माँ को बनाया है। कमीने, तेरी वजह से मेरे सर से पति का साया उठ गया। पति का नहीं, बाप का। फिर कर रहा है पिछवाड़ा जलाने वाली बात। अरे डॉक्टर, तू तो अमिताभ बच्चन के किरदार में घुस गया।
गब्बर कालिया, मौका है, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। अरे अरे भाई मुझे बचाओ बचाओ, डॉक्टर पागल हो गया, उसने कैदी भी भगा दिए सारे। अरे मार्कंडे साहब, ये क्या हो रहा है और मैं कौन हूँ? मैं बताता हूँ तू कौन है, तू कानून से भागा हुआ एक मुजरिम है, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। अरे छोड़ो, मुझे क्या याद आ गया, आज मैं तेरी भूलने की बीमारी खत्म ही कर दूंगा। आई, 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 आई,